इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत देने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी, लेकिन उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को जेल भेजने के ईडी के एक्शन को कानून के तहत की गई कार्रवाई बता दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दो टूक कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि जांच एजेंसी ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया ईडी ने इस मामले में पर्याप्त सबूत पेश किए और वो सबूत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए काफी है। हालांकि इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये साबित कर सकें कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। केजरीवाल ने भी अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी को क्लीन चिट देते हुए टिप्पणी की कि ईडी ने इस मामले में पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर